गेड़ी लगाने चलते हैं ना पार्क में, क्या करने जाके पार्क में मजा नहीं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो अभी मैं कैरा को लेके जाने वाली हूँ पार्क में, और सो मैं और कैरा पहुंच चुके हैं पार्क में। इसको बड़ा मजा आता है, ये देखो डांस देख लो इसका, मोटो का मोटो मेरे की स्माइल देखिए। बट झूले पे बहुत क्राउड है, काफी दुनिया आ रखी है यहाँ पे। सो अब मैं तेरी रील्स बना दूंगी यहाँ पे, है ना? Okay. अच्छा लग रहा है आपका आउटफिट भी, इससे अच्छा लग रहा है। सो अभी कह रहा है कि रील्स भी बनाऊंगी मैं यहाँ पे। हम लोग इस वाले पार्क में आते रहते हैं क्योंकि यहाँ आसपास और कोई जगह नहीं है बच्चों के लिए, तो आई थिंक ये वाली जगह बहुत अच्छी है। तो मोस्टली पेरेंट्स वगैरह सारे ना यहीं पे आते। डरपोंक बड़ी है, इसको जान बड़ी प्यारी है, अपनी जान बड़ी प्यारी है, हैं बड़ी प्यारी। अच्छा मतलब कैरा कह रही है कि एक साइड वो बैठेगी और एक साइड मम्मा बैठेगी। यार कैरा के साथ झूले लेने में बैठी है और कैरा की मम्मा उसकी दूसरी वाली साइड में बैठी है। कैरा को तो मजे आ रहे हैं बड़े ज्यादा। कैरा आने का नाम नहीं ले रही, हम इसको आवाज लगाऊंगी, देखना उसका रिएक्शन देखना आप लोग नहीं आएगी। चलो चले अब चले, चलो यार अब अंधेरा हो गया, देख कितना नहीं ऊंचे वाले पे, वहां पे क्या करना है, इधर से इधर से इधर से कह रहा वहां से लग जाएगी, इधर से सब घर नहीं। कह रहा की बेइज्जती कर दी, और कह रहा कह क्या हो गया भैया ने नहीं उतरे नीचे, भैया नीचे नहीं उतरे भैया नीचे नहीं उतरे और कह रहे नाराज हो गए, क्या हो गया बेइज्जती होगी तो ऐसे थोड़ा होता, वो झूल रहा था ऑलरेडी, तो तुमने क्या करना था फिर। कह रहा चाहती है ये सारे झूले मुझे दे दे, बाकी कोई जाने का नाम ही नहीं ले रही है, मार खाएगी मेरे से फालतू में। बस भूत भी आते हैं रात को यहाँ पे, रात को भूत आते हैं, उसको कुछ है ही नहीं खाने को, चिप्स है बेटा, चिप्स नहीं खाते डॉगी, चिप्स नहीं खाते डॉगी बेटा, बिस्किट लेके आएंगे नेक्स्ट टाइम। सो अभी हम शॉप पे आ चुके हैं वापस, और रास्ते में हमने ले लिया समोसे, और सुबह हमारी डाइट चल रही थी, शाम को हम समोसे भाड़ते है ना। अभी ब्लॉग का एंड नहीं कर रहे हैं, अभी ब्लॉग हम कर जाएंगे फिर एंड करेंगे, आज आप लोगों के साथ लेट ब्लॉग स्टार्ट करा है तो लेट ही एंड करेंगे। सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ अब घर, लॉक खोल लेती हूँ। कर लिए कपड़े चेंज, और सो आते आते मेरा काम होता है, जो कपड़े मैं एक्चुअली धो के जाती हूँ ना मॉर्निंग में उनको उठाना, तो अभी सारे कपड़े मैं दिन में सुखाने के लिए यहाँ डाल देती हूँ, तो अभी शाम को आते टाइम मतलब जैसे घर पहुँचती हूँ ना वैसे ही सारे कपड़े उठा लेती हूँ। तो पीछे जो है मेरे घर के एक मंदिर है, वो कितना प्यारा लग रहा है ना, दिखाती हूँ आपको यहाँ से, है ना। सो सारे कपड़े उठा लेती हूँ अभी, कपड़े मैंने उठा लिए, मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ, आपको दिख जाएगा तो यहाँ सारे कपड़े मैंने उठा लिए हैं, और इनको मैं यहाँ बेड पे रख देती हूँ, और मॉर्निंग फिर यहाँ से उठा के अंदर मैं इसको फिर तय करके अलमारी में, आई मीन अलमीरा अलमारी जो दी है अलमारी में इसको रख दूँगी। तो ये वाली साइड में आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे घर से एक्चुअली बालकनी है, यहाँ से अभी मैं फ्रंट से यहाँ से मैं दिखाती हूँ, कभी होम टूर भी करूँगी यहाँ से आती हूँ तो एक सामने ये बालकनी, मैं आपको बालकनी का ओवरव्यू दिखा देती हूँ। बालकनी ठीक है, यहाँ पे सारे कैरा के झूले और कैरा के झूले लगे पड़े हैं सारे, तो शाम को एक्चुअली बहुत मज़ा आता है यहाँ पे बैठने का, लाइक पंखा चल रहा होता है, ठंडी ठंडी हवा आ रही होती है, तो लाइट्स वगैरह मैं बंद कर देती हूँ ताकि मच्छर वगैरह नहीं काटते फिर। और ये मेरे घर का एरिया है यहाँ से, है ना, खुला खुला। कपड़े रखने के बाद अभी मैं बनाऊंगी डिनर, तो लाइट्स पहले बंद कर देती हूँ क्योंकि बाहर कोई नहीं बैठ रहा, तो अभी लाइट बंद कर देती हूँ। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ डिनर, और डिनर में आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, डिनर में आज बनाऊंगी करेले, करेले की सब्जी बना ली हूँ, तो फटाफट से इसको छिलते हैं एंड फटाफट से इसका लगाएंगे तड़का और करेले बन जाएंगे, और इसको मैं खाऊंगी रोटी का। पहले मन कर रहा था पनीर बनाऊंगी बट अब सोच रही हूँ करेले बना लेती हूँ, अदरवाइज सब्जी जो है वो खराब हो जाएगी। सो अभी फटाफट से काट लेते हैं करेले को, तो आप लोग तब
सो चॉपिंग वगैरह सारी मैंने कर लिया, करेले मैंने काट लिए और यहाँ मैंने प्याज और टमाटर भी काट लिया। अब हम लगाएंगे तड़का, फटाफट से। और मैं हमेशा यार सब्जी ना बहुत धीरे मतलब तड़का लगा के ना उसको छोड़ देती हूँ ताकि वो धीरे 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 बन जाए और जो फ्लेवर्स होते हैं ना वो आए। हाँ, जितने भी सब्जी के फ्लेवर्स होते हैं ना, ये मुझे एक तो बोलना नहीं आता, मेरा दिमाग खराब हो जाता है ब्लॉगिंग करते ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमेशा सब्जी को जब मैं तड़का लगा देती हूँ तो मैं गैस को ना हमेशा लाइक कम आँच पे छोड़ देती हूँ। उससे क्या होता है कि सब्जी धीरे धीरे बनती है और जितने भी हमने सब्जी में मसाले डाले होते हैं ना उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो अभी फटाफट लगाएंगे करेलों को तड़का। तो आप किस टाइम में करेले बनाते हो अभी बताना, बट मैं तो जब भी फटाफट करेले बनाने होते इसी स्टाइल में करेले बनाती हूँ। और कई लोग भर के भी करेला बनाते हैं, बट मैं एक्चुअली काट के फटाफट से, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है क्योंकि जब इसको मैं तड़का लगाऊंगी तो धीमी आंच पे इसको बनाऊंगी। या मुझे ना शेफ नहीं बनना चाहिए, है ना, ऐसा लगता है कभी कभी मैं शेफ बनने की कोशिश करी। तो हाँ, तो हम इसको मतलब आप समझ गए ना बस। ठीक है, तो धीरे धीमी व्हाटएवर धीमी आंच पे इसको हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया है। वैसे मेरे घर में स्टाइलिश वाला भी है, ठीक है मैं आपको दिखा देती हूँ, बट मैं इसी को यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत धीरे 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 तेल निकलता है। तो यू नो अभी 9 बज चुके हैं और फटाफट से खाना बनाना, फटाफट से डिनर बनाना, इतना टाइम नहीं होता और कैरा को भी खाना खिलाना होता फटाफट से। तो थोड़ा सा गर्म हो जाए तेल, क्या रहेगा ना फिर पंखे स्टार्ट हो गए क्योंकि मैं यहाँ फोन पे बात मतलब फोन पे सॉरी यार मुझे क्या है, मैं यहाँ पे बात कर रही होती ना इसके पंखे स्टार्ट हो जाते हैं, ये फिर मेरे से मार खाएगी। अभी देखना, अभी ये रुक गई है, इसको मैंने बोला ना इसलिए रुक गया। तो तेल गर्म हो चुका है, फटाफट से लगा लेते हैं तड़का। तो कभी भी जिंदगी में शेफ बनने की कोशिश मत करो बिकॉज यू आर नॉट अ शेफ। ओके, ठीक है, मैंने गड़बड़ कर दी, मैं प्याज डाल दी थी बीच में, टमाटर जा चुके हैं ऑलरेडी, इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो जैसे प्याज थोड़ा सा लाइक ब्राउन हो जाएगा ना फिर हम इसमें डालेंगे अपने करेले। ठीक है, टमाटर को मुझे लास्ट में डालना है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे प्याज और मेरे करेले जो है वो अच्छे से लाइक फ्राई हो जाए। ठीक है, तो तेल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, मैं खाना बनाने और जैसे कैमरा मेरे सामने होना था ना तेल आता, वाओ शेफ, मेरे को एक कुकिंग चैनल स्टार्ट करना चाहिए, बट मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को वर्ड्स ही बीच बीच में भूल जाते हैं कहाँ गए कहाँ, है ना। अगेन चैनल से मार खा देगी मेरे से, तो हमारा जो प्याज है वो थोड़ा सा ब्राउन हो चुका है, तो अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ अपने करेले। तो अब मैं आपको एक थोड़ा सा क्लोजअप भी दे देती हूँ। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लोजअप दे देती हूँ, तो ये कुछ इस तरह से लगेंगे। अभी आपको पूरे ये हरे हरे नजर आ रहे हैं ना, हरे 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 नजर आ रहे हैं, बट अभी मैं जब लाइक एकदम कम आंच पे कर दूंगी ना, लाइक मीडियम कर दूंगी ना गैस, ठीक है, तो उसके बाद ये अपने आप ही लाइक अच्छे से बन जाएंगे। तो इसमें जो भी कड़वापन जो भी होता है वो हट जाता है। अभी मैं क्या करूंगी, इसमें ना सारे अपने जितने भी मसाले होते हैं वो डाल दूंगी। फिर इसके बीच में हम लास्ट में डालेंगे टमाटर। ओके, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से लगेंगे और अभी इसके ऊपर मैं रख दूंगी एक प्लेट। तो प्लेट कहाँ है, प्लेट कहाँ है, क्या दिमाग देखकर प्लेट सामने पड़ी है, क्योंकि एक्चुअली मेरे पास स्टील की प्लेट एक ही है तो मैं ऐसी को यूज करूंगी। तो इसमें से टमाटर को निकालते हैं हम इसमें और इस वाली प्लेट को हम रख देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और गैस को कर लेते हैं कम। तो गैस ऑलरेडी कम था यार, गैस को मैंने कम कर लिया, तो अभी ये बन जाएंगे, तब तक मैं कर लेती हूँ। तब तक मैं क्या करती हूँ, तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ। ठीक है, सो यहाँ मैंने ले लिया आटा और अभी आटे को हम गूंदेंगे फटाफट से। तो आटे में मैं थोड़ा सा नमक डाल लूंगी, क्योंकि कभी कभी परौंठी वगैरह खाने का मन करता है ना, तो फिर उसमें नमक बाद में डालना पड़ता है, लाइक पेड़े में नमक डालना पड़ता है। तो अभी मैंने आटे में थोड़ा सा नमक डाल लिया है और हमारे पास है ये पानी। ठीक है, और अभी हम फटाफट से गूंद लेंगे आटा।
से यहाँ आटा हमारा गुन चुका है, अब हम इसको रेस्ट करने देते हैं ठीक है, और उसके बाद हम बनाएंगे अपनी रोटी एंड फिर खाएंगे हम रोटी, तब तक हमारी सब्जी जो है वो बन जाएगी। अभी यहाँ मैंने आटे को भी ढक दिया है और सब्जी को भी एक बार चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम बैठेंगे बाहर जाके बरामदे में ठीक है। सो अभी हम मैं और कैरा बैठेंगे थोड़ी देर बाहर, क्योंकि यहाँ बैठना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आती है और बड़ा मज़ा आता है यहाँ बैठने का ना। तो लाइट हम बंद ही रहने देंगे क्योंकि बिना लाइट के यहाँ पे मैं और मेरी बेटी दोनों बहुत रिलैक्स करते हैं, तब तक हमारा खाना जो वो बन जाएगा और उसके बाद हम खाना। तो गाइस सब्जी बन चुकी है और अभी मैं रोटी बनाने लगी हूँ, फटाफट से रोटी बनाती हूँ क्योंकि कैरा थक चुकी है आप देख सकते हो, फटाफट से उसको रोटी खिलाती हूँ तो फटाफट से बनाऊंगी खाना एंड देन हम खाएंगे खाना। सो गाइस यहाँ पे आ चुका है हमारा खाना, मैंने दही और ये करेले की सब्जी जो बनाई है अभी और रोटी, और अभी मैं कैरा को खिलाऊंगी खाना और खुद भी खाऊंगी। अभी हम कर रहे हैं डिनर और आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमेशा की तरह मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल। और ऊपर बेल बटन उसे दबा के भी ग्रे कर देना। सो बेल बटन को ग्रे नहीं रेड कर देना, रेड होता है बेटा, ग्रे होता है, रेड होता है, ग्रे तो आपका बेड होता है, तो बेल बटन बेल आइकन को जरूर दबा देना, ये इसकी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगते हो तो प्लीज यार शेयर कर दो, लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। अगर यार एक तो ना ये इसका मूड ही बंद होता लड़की का कभी भी, ये मुझे ना कभी ब्लॉग में एंड करने देती। सुना तो है, जो इसके ब्लॉग सब्सक्राइब करते हो ना मेरे भी कर दिया करो कभी, मेरे तो आप करती नहीं हो, जल्दी से जाके मेरी वीडियो चेक कर लो जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई है, और हाँ जो मेरे सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रहा है ना उसे भी दबा देना। सो इसका कहने का मतलब है कि इसका भी ब्लॉगिंग चैनल है, बट एक्चुअली तो मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि अपना भी इंस्टाग्राम भी देखना है, शॉप भी देखना, फिर बैग्स की वीडियोस भी बनाना, फिर इंस्टाग्राम पे अपने रील्स भी बनाना, तो काफी मैं बिजी रहती हूँ। तो इसका चैनल थोड़ा सा भी अपडेट नहीं हो रहा बहुत दिनों से, तो कोई बात नहीं बट हम करेंगे कोशिश, ये थोड़ी सी और बड़ी हो जाए मेरी चुमड़ी की, लेकिन ये झूठ के ये ब्लॉग एंड नहीं करने देगी, मार खाएगी मेरे से अभी, तो ये थोड़ी सी चुमड़ी मेरी बड़ी हो जाए फिर इसको मैं फोन लेके दूंगी ताकि ये अपना व्लॉग खुद बना सके, एडिटिंग मैं कर दिया करूंगी बट व्लॉग बनाने अभी थोड़ा व्लॉग बनाने के लाइक हो जाए, मतलब थोड़ी सी और बड़ी हो जाए ताकि ये व्लॉग अपना लाइक फोन अपना वगैरह खुद हैंडल कर ले, तो अभी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इसका व्लॉग भी बनाना अपना भी बनाना ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, इसकी वीडियो जो है वो थोड़ी सी लेट अपलोड होती है मेरी वाली जो है उसमें, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं डेली आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँ। सो अभी हम खाना खा लेते हैं, बहुत बातें होगी, खाना ठंडा हो जाएगा नहीं तो। चलो बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय 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 बाय।